वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज। तो कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेडिक्रिक पे। तो गाइज अपार्टमेंट उतर के मैं बोर हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया नोवो उतरते ही मेरे को मिलती है शॉटगन। सामने बंदा भाग रहा होता है, इसको अपन ने भागने दिया क्योंकि ये भाग गया था। मेरे पास में एक बंदा उतरा, पहला शॉट मिस, दूसरे शॉट में इसके चूथट में मैंने शॉट मारे, नॉक किया। इसका नाम ही ऐसे था डर्टी हिप्पी, तो इसको मैंने फिनिश करना ही सही समझा। फिर बाकी मेरे को यहाँ पर एक के फुट आते हैं, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। पर कंटेनर में मेरे को गॉड गन मिलती है, गॉड गन तो आप जानती हैं ये कौन सी है, M4। बाकी मैं कंटेनर में ढूंढ रहा था उस बंदे को जिसके फोटो आए थे, तो ये भाग रहा था। हल्का सा लो किया इसको, कुछ मैंने थोड़ा बहुत ही लो किया, बाकी जंप एंड शूट देखिएगा। तो ये है जंप एंड शूट का फ़ायदा, कभी एक बार हक भी देता है ये जंप एंड शूट, टाइम की बात है। तो बाकी यहाँ पर ये लड़ रहे थे, पता नहीं क्या नेट वेट कर रहा था बंदा, पर ये किल चोरी, एक सामने वाले ने किल चोरी कर लिया। इसको देखिए क्या मारेंगे। अच्छा लगा हो तो आपको तो लाइक करना, जैसे मैंने सुना किया। ये भाई ज़्यादा पिक पाक कर रहा था तो इसकी गांड तोड़ी मैंने। मेरे को तो पहले ये हैकर लगा, जैसे ये ऐसे मूवमेंट दे रहा था ना, मतलब अभी देखी जब ये नॉक हुआ था, थोड़ा आप अगर बैक करके देखेंगे तो वही मेरे को लगा हैकर है, ऐसे तेज तेज कैसे हो रहा है। तो मैंने कॉल दिया यार हैकर है, क्योंकि अभी हैकर आ रहे हैं, पर हैकर था नहीं है। थोड़ा अपन ने लूट लाट की, यहाँ पर फायरिंग होने लग गई थी ये लेफ्ट वाले कंटेनर पर, रेड वाले यहाँ पर शायद बंदा था, तो मैं फटाफट लेट गया, थोड़ा लूटा मैंने। मेरे पास एमओ वगैरह नहीं थी, गन चेंज की मैंने शॉटगन से S12 के को छोड़ के मैंने M7 उठाई। तो बाकी अपन फिर आगे पुश करते हैं। वेयर हाउस साइड बंदा था तो मैं जाता हूँ, दूसरी साइड था वो, उसने मेरे एक टीममेट को नॉक किया, तो मैं यहाँ टीपी पे लेने लग गया। मेरे को लगा कि यार वो पुश करेगा पक्का, तो वो पुश करता है और अपन ने इसको ले लिया दबोचे में। तो अपन इसको लूटेंगे थोड़ा, और लूट के अपन निकलते हैं और बंदों को मारने के लिए। मैं इस घर पे आया था क्योंकि इस घर से फायरिंग आ रही थी, पर इस घर से जो बंदे थे वो चले गए थे सामने, जहाँ पर मैंने स्कोप खोला और मार्क लगाया। तो मैं थोड़ा एंगल बनने की कोशिश करता हूँ छत पे आके, लेट के थोड़ा मेरे को बंदा स्पॉट हुआ पर वो भाग गया। तो अब थोड़ा क्लोज इन करेंगे अपन, मैं सीधे नीचे कूदता हूँ और क्लोज इन करते हैं। कंटेनर पे आता हूँ मैं, मेरे टीममेट्स थोड़ा मुझसे दूर थे, वो अलग फाइट ले रहे थे अलग बंदों से, और मैं यहाँ पर अलग फाइट ले रहा था। तो मेरे को ये जो चार घर है ना ये झोपड़ी से, तो मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखा था, तो मेरे को लगा यार अभी भी वो यहीं होगा, तो मैं थोड़ा सतर्क रह के जा रहा था। मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, वहाँ पर फाइट ले रहा था वो अकेले, और मैं यहाँ पर फाइट ले रहा था, मेरे साथ एक टीममेट आता है। तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि क्या है, तो मेरे को एक ये दिखता है पानी, मेरे को लगा ये बंदा भाग रहा है शायद, पर वो शायद बॉट था। और मेरे को अचानक से ना आवाज़ आती है, बोट में है कोई, बोट लेके भाग रहा है कोई, तो मैं फटाफट जाता हूँ। ये देखिए भाई भाग ही रहा था भाई, पकड़ लिया इसको मैंने और इसकी गांड तोड़ दी। भागने कैसे देंगे भाई, देखो भाई क्या देना आ गया, ऐसे बंदे मेरे को देख देख के भाग रहे हैं। जस्ट जोकिंग, वो तो बेचारे के पास कुछ होगा नहीं, एमओ वगैरह तभी भाग रहा होगा। तो इस घर में, इस स्क्वाड हाउस में बंदा था, जैसे आपको फुट आ रही होगी मैप में दिख रहा होगा आपको मार्क। तो मैं सोचा यार कि कैंप कर रहा है यार, क्या ऊपर जाऊँ, थोड़ा नेट कुक करता हूँ और फेंक देता हूँ इस पर, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने यही किया पर कुछ हुआ नहीं, हल्का फुल्का वो लो हुआ होगा। तो मेरे को लगा यार ये बेस्ट टाइम है घुस जाने का, तो मैं घुस जाता हूँ, पर साला भाई नॉक कर देता है मेरे को। पर कोई नहीं, अपने टीममेट्स थे, मेरे को लगा कि यार कोई बंदा लेटा हुआ है इसका, मेरे को ऐसे फुट आ रहे थे शायद यही लेटा हुआ होगा। तो मेरे टीममेट्स को ढूंढने लग जाते हैं, पर ऐसे कोई था नहीं, तो मैं रिवाइव होता हूँ, रिवाइव का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो देखिए मेरा टीममेट कूदने लग जाता है, फिर मैं रिवाइव होता हूँ, फिर मैं इस साइड आता हूँ। मैं अकेला आ गया था, मेरे टीममेट पीछे थे थोड़ा, मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है, मैं इसको कुचलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साला कूद गया भाई, कूदता नहीं ना, सच्ची बोलो इसको कुचल देता मैं, लेकिन कोई नहीं, मारेंगे इनको भी मारेंगे। तो मेरे टीममेट आ गए थे अब गाड़ी लेके, ये शायद 2 या 3 बंदे थे। तो मैं गाड़ियाँ अपनी बग्गी यहाँ पर भेड़ता हूँ, बग्गी से उतरा, एक बंदा सीधे मेरे पर पुश कर देता है, मेरे टीममेट थोड़ा सा दूर थे मुझसे, तो मैंने इसको थोड़ा फ्री फायर में हेडवेट लगा के नॉक किया, पर इसने मेरे को नॉक कर दिया, और जिसने मेरे को नॉक किया उसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। तो ये 3 बंदे थे, एक को देखो ये सामने वो बॉट आ गया भाई, बॉट तो भाई आ ही जाते हैं कभी भी। तो ये 3 बंदे थे, 2 नॉक थे, तो ये लाइफ लगा रहा था, तो मैंने फटाफट कॉल की जल्दी घुसो, एक ही बंदा है तो मार दोगे इसको, तो और मेरे टीममेट से मार भी दिया। फिर मैं यहाँ से रिवाइव होता हूँ, रिवाइव होकर इनको लूटता हूँ, तो मेरे को पीछे से फुट आते हैं, मेरे को लगा यार बंदा हुआ, वो फायर वायर भी कर रहा था, पर वो बंदा होता नहीं है।
बॉट होता है, तो बॉट को अपन ने मारा और अब अपन यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा लूट लाट करी निकले, यहाँ पर फ्लेयर चल रही थी, ये रोजॉक के साइड जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पर। तो मैं, मेरे पास नेट थे तो मैंने सोचा यार कि छत पे ही होंगे, नेट कर देते हैं। पर भाई वो भी हरामी बंदे थे भाई, उन्होंने भी मूली वूली करना चालू कर दिया। जहाँ पर मैं खड़ा था एकदम ऑन द स्पॉट मूली आगे गिरी, वो तो भाई भगवान की दया है मैं बच गया, नहीं तो भाई मैं जल ही जाता और जल के मेरी पक्का लाइफ कम हो जाती और यहाँ पर मेरे 2 किल चोरी हो जाते, मेरे टीममेट्स कर लेते चोरी। पर भाई मैंने ऐसे किया नहीं, मैंने कॉल दी कि तू पुश कर, मैं कवर देता हूँ तेरे को, मेरी एक टीममेट को, और मैंने वो किया भी। स्क्वाड के साथ खेलने में यही होता है कि मज़ा आता है, सोलो और स्क्वाड खेलने में ये है कि बहुत टाइम लगता है आपको चिकन निकालने में, निकल जाता है। लेकिन एक बंदा यहाँ पर कंटेनर पर आया था हमारे को मारने के लिए, लेकिन उसकी गांड फटी तो पीछे भागने लग गया। अभी देखिए क्या, चूंकि कूद कर आता शायद बेचारा वोल्ट हो गया इससे तो भाई इसकी गांड मारी यहाँ पर गंदी वाली। अब इनकी फ्लेयर आई थी, फ्लेयर वेयर लूटी, यहाँ पर भी बंदे थे, इसने फ्लेयर मंगवाई थी। मैं सोचा कि यार ओम वगैरह मिल जाएगी तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, पर साली ओम थी नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ा कूदना कूदने की कोशिश कर रहा था, एक बॉट दिखता है इसको मारा। भाई देखिएगा, मैंने कॉल दी मेरे टीममेट्स को कि मैं वो ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ, तो यार तुम नेट वेट मत करना। ये देखिए भाई इसकी नेट करना चालू कर दी है उसको लूटने के चक्कर में। तो इसमें ओम तो थी नहीं, एम के और ग्रोजा थी, तो मैंने ग्रोजा उठाई। अब ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं थे, सामने बंदे थे, यहाँ पर फाइट चल रही थी, तो हम सीधे आते हैं यहाँ पर। अभी देखिएगा भाई क्या गिलिच है भाई BGMI में, आपको दिखाता हूँ, आप चौंक जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। अब देखिए यहाँ पर मैंने गाड़ी भेड़ी, अब देखिएगा एक बंदा है ना गाड़ी में बैठा हुआ है, पर मेरे को दिख रहा है मेरे टीममेट्स को ही दिख रहा था ये। मैंने वही इतनी मारे शॉट्स उसको, गाड़ी भी फोड़ दी इसकी, मैंने बहुत शॉट्स मारे, गाड़ी भी फोड़ने की कोशिश की इसकी, पर बहन का लोड़ा सारा है, पता नहीं क्या था यार गिलिच है क्या है, ये लंड सा गिलिच है। ये देखिए मेरे टीममेट्स को तो ये स्पॉन ही नहीं हो रहा था, वो बोले थे किसको फोड़ रहा है तू, क्या कर रहा है ये बकचोदी। पर यार ये मेरे को दिख रहा था, आपको भी दिख रहा होगा, मैंने बहुत कोशिश की इसको गोली वोली मारने की, फिर मैं समझ गया यार ये तो भैंस की गिलिच है, तो कुछ नहीं है, ये निकलते हैं यहाँ से, जो बंदे हैं उनको मारते हैं। देखिए ये फुट भी आ रहे थे मेरे को मैप में, तो यार मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था यार क्या है ये। फिर मैंने सोचा कि छोड़ यार अब आगे जाते हैं। तो यहाँ पर इस घर में एक बंदा कैंप कर रहा होता है, भाई के पास अच्छी अच्छी गन वगैरह भी थी, गिली सूट वगैरह पहन रखा था, तो मेरे पास स्टन था, नेट था नहीं, नेट होता तो नेट से इसकी गांड फोड़ देते, लेकिन था नहीं तो मैंने स्टन किया। यहाँ पर स्टन करके मैं सीधे पुश करता हूँ ऊपर और ये इसके हेड बजा दिए मैंने। और भाई ग्रोजा तो आप जानती हो क्या गांड फाड़ गन है, उसकी गांड फाड़ ही दी ग्रोजा ने। तो अपन थोड़ा लूटते हैं, और यहाँ पर स्मोक हो रहा था, इस बंदे ने ना थोड़े जिस बंदे को मैंने अभी मारा जिसके पास गिली सूट था, तो उसने क्या है कि 2-3 बंदे नॉक डाले थे, ये रिवाइव हो जाते हैं, मैं पुश करता हूँ। अब भाई यहाँ पर हम 3 टीममेट और सामने 2 एनिमी, ये क्या पानी था भाई, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर खेलने का। तो मैं ऐसे कूद कूद के जा रहा था, पर वो मेरा टीममेट थोड़ा हाई ग्राउंड पे था, तो उसने सारे 2 किल चोरी कर लिए, ये साला उधर उस साइड चला गया और मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया। पर कोई नहीं, इस मैच में 30 किल्स थे 30 किल्स। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।